आज कक्षा छः के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा देख रहे हैं गणित कक्षा छः। जैसा आप जानते हैं कि सेट वन सभी डाल दिए गए हैं, अब सेट टू है। क्या है? सेट टू। जल्द से जल्द सेट थ्री, सेट फोर, सब फाइव मिलेंगे, जिससे आपका पूरी किताब तैयार हो जाए। और निश्चित रूप से यही क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में आया हुआ है, आप जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए। बहुत ही बड़े शहर, बहुत बड़ी ऊंची दुकान का पेपर है, जहां से सभी प्रिंसिपल ले जाते हैं। बिना समय गंवाए हुए हम अपने क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। पहला है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पूर्ण संख्या का है, प्राकृतिक संख्या नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। दूसरा है, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे लिख देंगे 10,000। पांच अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, देख रहे हैं ना। अगला है, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। अगला क्वेश्चन है, ऋण 11 का योगात्मक प्रतिलोम, ऋण है योगात्मक, पूछ रहा है, चिन्ह बदल जाता है, ऋण है तो धन हो जाएगा, धन 11। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, समझ रहे हैं। यदि आप पुराने छात्र हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, यदि आप नए छात्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट आई वो घंटी को बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और प्लेलिस्ट देखना न भूले, बहुत से पेपर डाले जा चुके हैं, ज़रूर से ज़रूर पूरा कंप्लीट कर लेना जा करके। अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए, देख रहे हैं ना, 7,019 और 23,013, इनको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इसको लिखेंगे कैसे, आप जो है इसको देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है 7,019, देख रहे हैं ना, लिखा गया है 7,019, देख लीजिए, देख रहे दे रहा है। फिर है 23,013, देख रहे हैं ना कैसे लिखा गया, ऐसे लिखेंगे। अब लघुत्तरी में आते हैं, वीडियो बिना समय गंवाए हुए। अगला है, निम्न कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो पूर्ति में देख रहे हैं ना कैसे करना है। कह रहा है कि ऋण 4 का संख्या रेखा दिखाइए, पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा नहीं, अभी और सवाल है इसमें का, शब्दों में लिखने के बाद कह रहा है 0 और 6 के बीच सभी पूर्णांक लिखिए, तो इसके पूर्णांक कैसे लिखेंगे, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, धन ऋण 4, धन ऋण 5, 6 के बीच लिखना है, देख रहे हैं ना, तो इसी तरह लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगला है, 24, क्या है, 24/6 का भागफल, 24 में 6 से भाग देंगे 4 आएगा, 4 लिख दीजिए। 5 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो 5 में 1 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, 5 का पूर्ववर्ती संख्या 5 है। फिर पूछ रहा है 14 का अनुवर्ती, अनुवर्ती कहे या उत्तरवर्ती, तो 1 जुड़ जाता है, 14 में 1 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। 91 का युगात्मक प्रतिलोम, युगात्मक में चिन्ह बदल जाता है, ऋण 91 हो जाएगा। लघुत्तरी है, संख्या 4, धन 4 की संख्या रेखा खींचिए, देख रहे हैं ना, धन 4 की संख्या रेखा, कैसे करेंगे, संख्या रेखा पर ये देख रहे हैं, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ऐसे धनात्मक है दाहिनी तरफ 0, 1, 2, 3, 4 तक ऐसे दिखा देंगे, यही 0 से 4 के बीच ही धनात्मक संख्या रेखा को प्रदर्शित करता है, देख रहे हैं ना, इसी तरह पूरा दिखाना है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति क्या करना है, 88/89 मतलब 2889 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ा जाए या घटाया जाए वही संख्या होती है, तो यही संख्या हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं ना, तो 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके विद्यालय में निश्चित रूप से पेपर आया हुआ है, और तो यह तो रामबाण है पेपर, जब समझ लीजिए। और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, पुराना न मानना कि पुराने पेपर है, अरे उनको हल करिए, बहुत लाभ मिलता है, पहले प्रैक्टिस तो करिए, हल करके एग्जाम देना,
करना, हमारी बातों में विश्वास करिए, सभी वीडियो जा करके देखना। अब इसका देखेंगे कैसे हल करते हैं। माना की पहली संख्या क्या है? माना की पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी x प्लस वन, तीसरी x प्लस टू। फिर प्रश्न अनुसार पहला और तीसरा x प्लस एक्स प्लस टू, इनका योगफल 28 है। तो अब ये दो एक यक्स और एक एक जोड़ दो यक्स, धन दो बराबर 28, तो टू यक्स 28 ऋण दो, टू यक्स बराबर 28 दो गए 26, यक्स बराबर 13। क्या हुआ? यक्स बराबर 13। अब 13 पहली हो गया, तो दूसरा 13, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15, ठीक है ना। इस तरह से वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, हमारा साथ दीजिए। आप हम आपका आपके लिए अब सभी वीडियो लेकर आएंगे, आपके कमेंट पर हम ध्यान देते हैं, तो आप मेरे कहने पर भी ध्यान दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए, हमारे भी हौसला बढ़ाएंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि कक्षा 9 का, 10 का, 8 का, अरे भाई चैनल तो सर्च करो, देखो, पहले सब वीडियो पढ़ चुके हैं, अब दूसरा सेट डाला जा रहा है, समझ रहे हैं? सभी पेपर पढ़ चुके हैं, एक एक दूसरा 3, 4, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? 3, 4, 5 से बनने वाली 3, 4, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। तो इसके लिए ये चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो पहला बनेगा 345, सैकड़ा पे 3 रखा गया है, 345, फिर 354। जब सैकड़ा पे 4 को रखेंगे 435, 453। जब सैकड़ा पे 5 रखेंगे तो 534, 543। इस तरह से 6 अंक बन जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कह रहा है ए गुड़े ब्रेकज के अंदर बी सी, ए गुड़े ब्रेकज के अंदर बी सी, इसको गुणा कर देंगे, इसी तरह से लिख देंगे, आ जाएगा आपका ए गुणे बी धन सी। तो बी में गुणा करेंगे ए से, तो ए बी हो जाएगा, धन ए सी हो जाएगा, मतलब ए बी धन ए सी। बिल्कुल सरल, बहुत सरल है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है, जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। प्रतिवर्ष आपको 4 सेट 5 सेट में पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक, मास्टर्स टेस्ट मिलते रहते हैं, जिनसे आप जुड़ जाइए, सब कंप्लीट कर लीजिए। दीर्घ उत्तरी है, कह रहा है इसमें क्या भरना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति। अरे भाई 19, 23 आपके किताब का है, 19, 23, 25, 29, फिर ऋण 29, फिर ऋण 25, ऋण 23, ऋण 19। अगर ध्यान से देखिए 19 में 4 जोड़े 23, 23 में 2 जोड़े 25, 25 में 4 जोड़े 29, फिर ऋणात्मक वाला हो गया, ऋण 29 में धन 4 जोड़ेंगे ऋण 25, ऋण 25 में धन जोड़ेंगे ऋण 2 जोड़े वो धन जो जोड़े ऋण 23, ऋण 23 में 4 जोड़े ऋण 19। एक क्रम से लिखा गया है, इसी तरह से 7, 11, 13, 17, ऋण 17, ऋण 17 में 4 जोड़ेंगे धन 4 जोड़ेंगे ऋण 13 आएगा, तो ऋण 13 इसमें भरना है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निरपेक्ष मान निकालना है, ये दो खड़ी रेखा के बीच में ऋण 47 का मान, तो निरपेक्ष मान में होता है ना धन हो ना ऋण हो, लिख दीजिए ऋण मतलब 47 लिख दीजिए बस। फिर प्लासी का जन्म 450 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए, ये कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो 450 से 348 घटा देंगे, 81 वर्ष ईसा पूर्व, इतना जरूर लिखेंगे 81 वर्ष ईसा पूर्व तक वे जीवित रहे। अगला है ऋण दस गुणे ऋण दस का मान ज्ञात कीजिए, 3 बार गुणा करेंगे ऋण 1000 आएगा, कितना आएगा? ऋण 1000 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11156 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625 का मान ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो नहीं स्किप करेंगे। 11156 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625 का मान ज्ञात कीजिए, इसका हम वीडियो लेते हैं, देख रहे हैं ना। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 11456 गुणे 625 ऋण 456 गुणे 625 का मान ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं ना, बिल्कुल इसी तरह लगाएंगे आपको 11456 गुणे 625
और ऋण 456 गुणे 625, तो 625 कामन ले लेंगे, 11456 ऋण 456, तो 625 गुणे 11456 में 400 घटा देंगे 11000 आ जाएगा, 625 गुणे 11000 कर देंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, बिल्कुल वीडियो एक भी छोड़ना नहीं, स्किप नहीं करना है। अगला लगाते हैं, देखिए कह रहा है निम्नलिखित कथन, देख रहे हैं ना, अगला कह रहा है कि कथन में कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है, तो कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है इसके लिए आपको करना है क्या, आपको करना है कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, असत्य, क्या करना है असत्य। दूसरा है दो एक सम संख्या नहीं है, गलत, सम संख्या है। तीसरा ऋण 17 का विपरीत धन 17 होता है, सत्य। दूसरा एक प्राकृतिक एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य। और शून्य का विपरीत नहीं होता है, सत्य। ऋण एक किसी पूर्णांक में गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या होता है, सत्य। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं, सत्य। 13 की अनुवर्तिक प्राकृतिक संख्या है 14। दो क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है, सत्य। देख रहे हैं ना, बिल्कुल। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।